नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछु म अविनाश। पाकिस्तान रो आतंकवाद निशा को प्रथमे ट्वीट रे उड़ाइले ट्रंप, तापरे पाकिस्तान को झटका दला अमेरिका। नुआ वर्षर प्रथम दिन रे ही पाकिस्तान रो आरंभ हो गला इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिका स्पष्ट कला ताकू आ बोका बनई परिबनी पाकिस्तान आउ तार डबल गेम को करिबनी बर्दाश्त। घोषणा अनुसार आतंकवाद विरोधी लड़े ना रे पाकिस्तान को देउथुबा आर्थिक सहायता बंद करि देछि अमेरिका। एथसहित बंद हो जाइछि पाकिस्तान रो टेरर एटीएम। सोमवार धमक, मंगलवार एक्शन। नुआ वर्षरे पाकिस्तान को लागिला सबुठारु बड़ झटका। 24 घंटा भितरे पाकिस्तान विपक्ष रे निजर कड़ा अभिमुख्य प्रमाणित करिछि अमेरिका। सोमवार ट्वीट करिथिले डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान को बंद करिबे आतंकवाद ना रे आर्थिक सहायता। आउ मंगलवार ही ए घोषणा करिछि व्हाइट हाउस, बंद करि देछि पाकिस्तान को 1628 कोटी डॉलर रो आर्थिक सहायता। मिछ प्रतारणा पई पाकिस्तान को अमेरिका पढ़ेला पाठ। ट्रंप एमिति एक कार्ड खेलिले जे विचलित हला टेररिस्तान। नुआ वर्ष रे सबुठु बड़ झटका, पाकिस्तान विरोध रे अमेरिका रो कार्यानुष्ठान। काली वार्निंग, आजी एक्शन। पाकिस्तान को आर्थिक सहाय्य बंद कला अमेरिका। 1628 कोटी डॉलर रो आर्थिक सहायता बंद। मिछो प्रतारणा पाई अमेरिका पढ़ाइला पाठ। ट्रंप जहा कहिले तहा करी देखाइले। ट्रंप कार्ड पाई विचलित टेररिस्तान। ट्रंप भांगी देले पाकिस्तान रो मेरुदंड। एबे कौन करिबो आतंकर सौदागर। शेषे मिछ प्रतारणा उच्छलना पाई पाकिस्तान को आईना देखाइला अमेरिका। मात्र गोटे ट्रंप कार्ड भांगी देला पाकिस्तान रो आर्थिक मेरुदंड। ट्रंप को एकमात्र एक्शन रे बंद होइगला पाकिस्तान रो हुक्का पानी। नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आतंकवाद रो भूस्वर्ग पलटिथिबा पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आ नुआ वर्षर द्वितीय दिन रे पाकिस्तान को देले जोरदार झटका, बंद करि देले सबु सहायता राशि। 1628 कोटी डॉलर रो सहायता। ट्रंप प्रशासन रो जने अधिकारी को कहिबा अनुजाई अमेरिका 2016 पई धार्य 255 मिलियन डॉलर रो विदेशी सैन्य सहायता पाकिस्तान को जारी करिबो नाही। सोमवार पाकिस्तान रो कार्यानुष्ठान उपरे आपत्ति उठाइथिले ट्रंप, ट्वीट करी असंतोष व्यक्त करिथिले। सोमवार जहा कहिले मंगलवार तहा करी देखाइले। देर आए दुरुस्त आए, जो ट्रंप के समझ में आया बहुत देर में समझ में आया अमेरिका के राष्ट्रपति। धन्यवाद देते हैं, पर जो ट्रंप के लिए किसी की मदद नहीं है वो अपने आप मन बनाता है। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, ये अमेरिका भी बहुत समय से जानता है, भारत भी जानता है, दुनिया के देश भी सारे जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोलने के लिए माहिर है हर बात में, इवन यूएनओ में भी। अमेरिका ने ये भी कहा है हमने जो मदद की थी वो मदद आतंकवादी कार्रवाई को, गतिविधियों को रोक लगाने के लिए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिला। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज होता जा रहा है। पाकिस्तान आज जिस तरह से एक आतंकवाद और आतंकवादियों का सुरक्षित शरणगाह बनी हुई है, पूरी दुनिया में आतंकवाद के जो तार हैं वो उन आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। अमेरिका बे जहां करुछी सही नापाक चेहरा ऊपर बहु वर्ष हला पर्दा उठाई आसुची भारत। एक सही माने भी स्वीकार करुछंती जो माने पाकिस्तान रे जन्म होइछंती अथ जीवन विकल रे एठी सेठी हेउछंती। के पाकिस्तान एक बदमाश, धोखेबाज, दहशतगर्द और नाकाम रियासत है, और पूरी दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी और टेररिज्म जो भी है, पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली उस टेररिस्ट और टेररिज्म और जो वो दहशतगर्दी है उसका जो है एक गढ़ है, एक किला है। आतंकर सौदागर पाकिस्तान उपरे चाबुक चलाई अमेरिका परामर्श देछि जे सुधरी जाओ, हेले जे आतंकवादी को भूस्वर्ग जहारो चिंताधारा नापाक से बात सुधरीबो केमिति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। नुआ वर्षर प्रथम दिन रे ही अंतरजातीय स्तर रे पाकिस्तान सेतबेले बेइज्जत हेला
जेतेबेले सीधा कथा कहिले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ट्वीट कले आतंकवादी को पाली पोसी अमेरिका को आउ बोका बनाई पारिब नहीं पाकिस्तान धमक देले पाकिस्तान अमेरिका को जो एटीएम करी रखी थिला ताकु एबे ट्रंप बंद करने को जाउछंती तबे हा प्रथम थर नथिला पांच मास पूर्वरु एने कहि सारिथिले निजे डोनाल्ड ट्रंप तबे केइ सप्ताह पूर्वरु तो आहुरी स्पष्ट करिथिले अमेरिका उपराष्ट्रपति जे कहिथिले पाकिस्तान को नोटिस रे रखिछंती ट्रंप किंतु पाकिस्तान सब जानी बुझी अबुझा हेउछि एबे पाकिस्तान जिते अलज्जा हेले भी किछि लाभ हेबनी कारण तार खेल खत्म करि देइछंती ट्रंप Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚେହେରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଶୁଣା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସେ ଚାପୁଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉଥିବ ନୂଆବର୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଲେ ଯାହା ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢ଼ିବା ନାଁରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଏହା ଆମେରିକାର ବୋକାମି ଥିଲା ଯେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନକୁ 33 ଅରବ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ମିଛ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ପାଳୁଛି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଖୋଜୁଛୁ ଏବେ ଏମିତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଇଏ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିଧା କଥା ଥିଲା ଯେ ତାର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢ଼ିବା ନାଁରେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିଜର ଏଟିଏମ୍ କରି ରଖିଥିଲା ସେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଭଲ ଏଇ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡବଲ ଗେମ୍ ନ ଖେଳୁ We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. However, our commitment is not unlimited, and our support is not a blank check. କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଳୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ନା କେବେ ସୁଧୁରିବ ଆମେରିକା କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛାଟ ପଲିସି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିକିଏ ସୁଧୁରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ କ'ଣ ये सुधरी जीवो पाकिस्तान जो है वहां गरीबी के नाम पर डिफेंस के नाम पर जिस प्रकार की बात पैसा लेता रहा और उसको डाइवर्ट करता रहा और आज अमेरिका ने माना है कि जो है उन्होंने हमें धोखा दिया गया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आप देखेंगे इसका असर जो है जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट के साथ और टेररिज्म के कारण विक्टिम हमारी स्टेट है और आज आए दिन रोज इनोसेंट लोग जो है आम लोगों को मारा जाता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानी होती है उसके ऊपर जो है इसका पूरा असर आएगा इसके लिए सर्वप्रथम बधाई देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जिनके कूटनीति के कारण पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हमने बेनकाब कर दिया और आज पाकिस्तान को अमेरिका ने आर्थिक सहायता बंद करने की बात पाकिस्तान विरोध रे डोनाल्ड ट्रंप को सीधा कथार अर्थ हला एबे पाकिस्तान को आदो बर्दाश्त करू नाहंती डोनाल्ड ट्रंप पूर्वरु मझी मझी रे पाकिस्तान को केतटी सुजोग देबार संकेत अमेरिका देथिला किंतु नुवा वर्ष रे डोनाल्ड ट्रंप को ए ट्वीट स्पष्ट कला जे ये पाकिस्तान विरोध रे ट्रंप को युद्ध जहाँ बाबद किसी दिन पूर्व ही अफगानिस्तान रे कहते ट्रंप का साथी तथा अमेरिकार उपराष्ट्रपति माइक पेंस You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over.
President Trump has put Pakistan on notice. As the President said, so I say now. Pakistan has much to gain from partnering with the United States, and Pakistan has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. Beyond the battlefield, this Commander-in-Chief has ordered the integration of every facet of American power as well, diplomatic and economic measures, to achieve a just and lasting peace here in Afghanistan. And until that day comes, you can be assured, we will be relentless in our campaign to destroy our enemies, because as history attests, weakness arouses evil, and peace only comes through strength. So be strong and courageous, and do the work of freedom. America ebe spashta sanket dei sarichi je se Pakistan birodhe sabu shakti byabohar karibo, kintu panch mas dhari chalithiba tona otora satve Pakistan ro nije palithiba atankbadinko saha premo sorila nahi. Pakistan ku ethora bi laguthla je se sabu thora bhali ethora bi dhoka debare safal hoijibo. Der aaye durust aaye जो ट्रंप के समझ में आया, बहुत देर में समझ में आया अमेरिका के राष्ट्रपतियों को, जब मुशर्रफ ने ये वार अगेंस्ट टेररिज्म में कहा था कि हम मदद करेंगे और उसके बाद से लगातार अरबों डॉलर सहायता ली पाकिस्तान से, तब भी मेरा अपना ये मानना था कि पाकिस्तान अमेरिका को गुमराह कर रहा है। हम लोगों ने, भारत सरकार ने कई बार ये बात कही कि आपसे जो पैसा लिया जाता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, इसका कोई पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करता और इसलिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता। गोटे पटे आतंकवादी को पालिबा वो अन्य पटे आतंकवाद विरोध रे लड़िबा नारे अरब अरब डॉलर अन्य ठारु आनी पाकिस्तान को चढ़ाउथिबा से देशर जनरल एमिति धोका देबारे मास्टर रही आसी छंती। एथर भी पाकिस्तान खसी जिबार रास्ता खोजुथिला किंतु ता भाग्य एथर भलो नाही, कारण डोनाल्ड ट्रंप तो अन्य प्रकार रो लोक बोली प्रमाणित हले। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पाकिस्तान प्रतिवर्ष जेतिकी तार सामरिक बजेट प्रस्तुत करे, तार चारि गुणा अर्थता को सहायता आकार रे अमेरिका ठारु मिले। आतंकवाद विरोध रे लड़ाई करिबा बहाना रे पाकिस्तान गत 15 वर्ष धरी एमिति केते टंका अमेरिका ठारु आनिछि से संपर्क रे विस्तृत भाव रे जानिबा ए छोटिया ब्रेक परे। ट्रंप को ट्वीट पूर्वरु ही पाकिस्तान पाखरे खबर पहुंचे सारी थिला जे अमेरिका ताकु आर्थिक सहायता बंद करि देछि। ए सहायता राशि एते अधिक थिला जहां समस्तंकु चकित करि देबो। पाकिस्तान रो वार्षिक सामरिक बजेट रो 4 गुणा अर्थ ताकु अमेरिका ठारु सहायता आकार रे मिलुथला। एहाकु एति पई रोका गला, कारण आतंकवाद विरोधी लढाई रे अमेरिका रो सहाय्य करबा नै पाकिस्तान कोनोसी मनोभाव देखो नै। आतंकवाद विरोधी लड़ाई रे पाकिस्तान को पार्टनर करिथिला अमेरिका। सह सह कोटी टंका बर्बाद परे भंगिला नीत। पाकिस्तान पाई बंद हला टेरर एटीएम। आतंकवाद प्रसंग रे सारा विश्वरु विरोधर सामना करुथिला पाकिस्तान। शेषरे तार सबुठारु बड़ सहायकारी ओ विश्वर सबुठु शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी ताकु बरदास्त करि पारिलानी। गत 15 वर्ष भितरे 33 अरब डॉलर रो सहायता देछि अमेरिका, अर्थात गत 1.5 दशक भितरे पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी लड़ाई पाई पाइछि 208,461 कोटी टंका। पाकिस्तान रो वार्षिक सामरिक बजेट 2.7 अरब डॉलर, यार 4 गुणा पाकिस्तान अमेरिका ठारु गत 15 वर्ष भितरे आदाय करिछि। एमिति तो भारत विभाजन परे पाकिस्तान गठन हेबा दिन ठारु पाकिस्तान को सहाय्य दे आसुथिला अमेरिका, किंतु 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उपरे आतंकवादी आक्रमण परे पाकिस्तान पई भंडार खोली देला अमेरिका। 2002 रे आतंकवाद विरोधी लड़ाई रे अमेरिका पाकिस्तान को निजर सैन्य पार्टनर कला। 2004 रे
ତାକୁ 28 ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନ ନାଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିଲା। 2002-2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1800 କୋଟି ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି। ଏ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହିସାବରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ପାଇଛି। ଡଲାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ନେଉଥିଲା ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଉଥିଲା। ସବୁ ସୀମା ସେତେବେଳେ ପାର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଏକ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ଅସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ସନ ନ ନେବାରୁ ଆମେରିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ସେ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଖୋଲିଛି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା। ସୟିଦ ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଓ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ଭଳି ଆତଙ୍କର ଚେହେରାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିସାରିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ କାରନାମାରୁ ବିରୋଧ ହେଉନଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବ, କିନ୍ତୁ ନା ସେମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଥିଲା ନା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଦେଉଥିଲା ସହାୟତା, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଲଗେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେରିକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର, ସେନା ଏବଂ ସେ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆମେରିକାର ଆକ୍ସନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ କହିଆସିଛି ଭାରତ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧୋକା ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ଲାଗିଗଲା 15 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆମେରିକାର ଆକ୍ସନ ପରେ ଏଥର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ନିଜ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିପାରିଛି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ତାର ମିଛ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने कुर्बानियों को भुला दिया और नए साल का आगाज होते ही अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है। ट्रंप का ट्वीट में यह कहना है कि अमरीका ने 15 साल पाकिस्तान की मदद की लेकिन पाकिस्तान बदले में सिर्फ झूठ और फरेब दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान गणमाध्यम व्यस्तता पाकिस्तान वर्तमान अवस्था प्रमाण। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ହଣ୍ଟର ଚଳାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆବର୍ଷକୁ ଅଶୁଭ କରିଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନେ ସାଲ 2018 କା ପହଲା ଟ୍ୱିଟ୍ ହି ପାକିସ୍ତାନ ସେ ମୁତାଲିକ କିଆ ଜିସମେ ଉନ୍ହୋନେ ଏକ ବାର ଫିର ପାକିସ୍ତାନ କୋ ତନକୀଦ କା ନିଶାନା ବନାୟା। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଲେ ଯେ ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ମିଟିଂ ଡକାଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଜବାବ। ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢ଼ିବା ନାଁରେ ଧୋକା ଦେବା ଭଳି କଥା ହିଁ କହିବ ଟେରରିସ୍ତାନ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର କଥାରେ ଦମ୍ ଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ଉପରେ ଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତା ଆମେରିକା, ଯାହାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଶୁଣିଲା ଆଉ ବୁଝିଲା ଯେ ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
सुधरू नहीं पाकिस्तान। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है इस वक्त अमेरिकी हुकूमत जिसको ट्रंप लीड कर रहे हैं और वो उनमें बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है हिंदुस्तान के साथ जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पे अपना गुस्सा निकाल के हिंदुस्तान को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। सेपटे अमेरिका विरोध में कहवाक आरंभ कर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद कही भारत निजे जहां करमेरिका मध्यम कराई जमात उद दावा एवं लश्कर भली संगठन दावी करुछंती जे सेमानक ना भारत ग्लोबल टेररिस्ट भावरे प्रचार करुछि एमिति करिबाकु भारत कुआडे मिशन करिछि। मुंबई आक्रमणर मास्टरमाइंड दावी करुछि ता ना नै पाकिस्तान को अडुआरे पकेबाकु चेष्टा करुछि भारत से डरुछि जे पुणी थरे बांग्लादेश भली स्थिति हेबो। मेरा नाम इंडिया ने ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे मारूफ कर रखा है और उसने उन्होंने एक मिशन बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस शख्स की एक आवाज़ है जो सुनी जाती है, लोग उस आवाज़ पर कान धरते हैं, साथ देते हैं। तो जब मैं कश्मीर के लिए बोलता हूँ ना तो इंडिया इसी को मसला बनाता है और दबाव डालता है। फिर आजकल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं तो जो काम इंडिया खुद नहीं कर सकता वो अमेरिका से करवाने की कोशिश करता है और दबाव डलवाता है। तो ये इस मौके पर भी ये सारा दबाव इसी नौइयत से पटे ट्रंप को ट्वीट पर गत रात्रि ही पाकिस्तान आरंभ करी थिला कार्यानुष्ठान इंसानियत फाउंडेशन एवं जमात उद दावार विदेशी पांठि संग्रह करिबा उपरे ब्यान लगाई दिछि। एमिति छोटमोटो पदक्षेप नै आतंकवाद विरोध रे लड़ाई करूथबा दाबी करूछि पाकिस्तान किंतु सारा दुनिया तर असल चेहरा जानिछि। इथि पई त केहि एबे पाकिस्तान रो मिछ एवं धोका रे फसुनाहि। एहि हेउछि पाकिस्तान रो प्रकृत टेंशन जे आतंकवादी को पाळंती सेमानक खोला संरक्षण दियंती तांको मुहरे आतंकवाद स लड़ीबा कथा शोभा पाउनी। पाकिस्तान दुनिया को निजर मिछ कहानी बिक्री करिबा को चाहूची किंतु एबे चीन को छाड़ी यहार केही क्रेता नाहंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पाकिस्तान को टेरर फंडिंग बंद करिबा पई वर्ष वर्ष धरी विश्व मंच रे स्वर उठाई भारत। जदि अमेरिका पूर्वरु एक कथा बुझी थांता भारतर कथा सुनी थांता तबे आतंकवादर एते बड़ चैलेंजर ताकु सामना करिबाकु पड़ि न थांता। जहाबी हेउ अमेरिकार पदक्षेप एबे पाकिस्तान भली राष्ट्रगुडिक पई बड़ शिक्षा एथि सहित एबे पाकिस्तान को सहायता देउथुबा चीन भली देश पई मध्य सतर्कर घंटी। स्पेशल रिपोर्ट को इट रखुछु, विदाय दियंतु, नमस्कार।